हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। इसके मैंने जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर डाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ढूंढ ढूंढ कर निकले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और इसके अंदर से तो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। तो हर एग्ज़ाम के अंदर जिसमें साइंस डी वी या जनरल साइंस, इसके अंदर इसमें से क्वेश्चन तो 100% आने होते हैं, जो कि हम पता हमें सब होता है लेकिन हम गलत कर जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जो मतलब जो सुन सकता है ना, वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की ही आवृत्ति में सुन सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सुन सकता। आगे देखते हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है या चांदी है? तो फ्रेंड, जो चांदी है वो सर्वोत्तम विद्युत चालक है। अगला देखते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं? परमाणु में नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर एक ठीक हो जाएगा। लेकिन बाहरी कक्षा में जो परमाणु के बाहरी कक्षा में जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आ जाएगा आपको, समझ लीजिएगा इसे। अगले हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो किया जाता है वो उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? वो है दूरी का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ पे वास्तव में उसका किसके कारण से ऐसा हो रहा है? तो फ्रेंड्स, जो कारण है इसका वो है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है इसके कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यावृत्ति धारा को उद्दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, यानी AC to DC कन्वर्ट, डायरेक्ट कन्वर्ट में AC जो कन्वर्ट होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेक्टिफायर कहते हैं उसे हम। ठीक है, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? एक भारी नाभिक में हल्के नाभिक टूटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी? देखिए, ऐसे जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें बहुत मतलब हम गलत कर जाते हैं इसका आंसर। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ध्वनि की चाल दाब पर डिपेंड नहीं करती। दाब चाहे वो 4 गुना बढ़ाए, चाहे 10 गुना बढ़ाए, चाहे 5 गुना बढ़ाए, चाल उतनी ही रहेगी ध्वनि की जितनी है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो फ्रेंड्स, 45 डिग्री के कोण में मारा जाना चाहिए, जिससे वो अधिकतम दूरी तक जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश से चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, जो कहते हैं उसे कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, जो प्रयोग किया जाता है वो है हाइग्रोमीटर, वायु की आर्द्रता। ये क्वेश्चन भी आता है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो वह हाइग्रोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो वो जो है वो नाभिकीय संलयन पर है। और परमाणु बम, देखिए दो क्वेश्चन आ जाते हैं, हाइड्रो बम किस पर आधारित है? वो है नाभिकीय संलयन पर, और जो परमाणु बम है वो है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, एक बार और बताया था मैं कि जो हाइड्रोजन बम है वो है नाभिकीय संलयन पर, और जो परमाणु बम है वो है नाभिकीय विखंडन पर। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो है डेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर दिए हुए हैं उसके अंदर से वन लाइनर जो निकलते हैं वो क्वेश्चन है ये। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था सबसे पहले वो किसने दिया था? आइजक न्यूटन ने दिया था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, यानी जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, उसके वो चश्मा जो पहनेगा वो लेंस कौन सा लगेगा उसके अंदर? तो उसके अंदर जो लेंस लगेगा वो लगेगा अवतल लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होते हैं वो किस में होते हैं? एसी वोल्टेज को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए। ठीक है,
वर्षा के बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है। ऐसा क्यों होता है कि वर्षा के जो बूंदों की जो गोल आकृति है, जो गोल वर्षा की बूंद होती है, ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने करा? तो ये तो हम सबको मालूम है कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? देखिए मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक वो किस में होती है? सॉलिड में होती है। ठीक है, ऑप्शन डी तो हमारा होगा ही नहीं, निर्वात में तो ध्वनि की चाल हो ही नहीं सकती कुछ भी। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी है लकड़ी, तो लकड़ी ठीक हो जाएगा क्योंकि लकड़ी जो है वो ठोस है, ठोस में जो है सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट देखते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले जो सूर्य दिखने का कारण, सूर्य दिख जाता है हमें वास्तविक समय से, तो वो क्यों दिखता है ये पूछ रहा है, तो होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, वो है जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, क्योंकि अधिक दाब के कारण जो है पानी का क्वथांक बढ़ जाता है, इस वजह से जो है खाना कुकर में जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती, कहाँ से नहीं गुजर सकती? देखिए मैंने आपको बताया था कि जल से भी गुजर सकती है, वायु से भी गुजर सकती है, स्टील से भी गुजर सकती है, लेकिन निर्वात से नहीं गुजर सकती। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो फ्रेंड, जो कटा हुआ हीरा होता है उसके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वो जगमगाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है, अब ये पूछ रहा है। तो डायनेमो जो मशीन है उसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एक कटा हुआ हीरा ये हो गया। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, ध्वनि तरंगें जो है वो ठोसों में, देखिए वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन आते हैं, तीन क्वेश्चन अभी हम कर चुके ध्वनि से रिलेटेड, जिसके अंदर ठोस इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे तेज़ जो गति करती हैं किस में करती हैं? ठोस में करती हैं। नेक्स्ट, फिर जो है ठोस की बात करती हैं द्रवों में, फिर जो है गैसों में, निर्वात में तो करती ही नहीं है। नेक्स्ट, ठंड के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि, आपने देखा होगा कि ठंड में जो है लोहे को अगर हम छू लें हैं तो वो ठंडा लगता है और लकड़ी इतनी ठंडी नहीं लगती, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड, जो ऐसा होता है वो लकड़ी की तुलना में लोहा जो ऊष्मा का अच्छा चालक है, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फैदोमीटर का उपयोग, तो फैदोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो करता है किसी भी सिग्नल से, एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, जी इसका करेक्ट आंसर होगा किसी भी सिग्नल से। आगे है 35वां क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो करी थी चैडविक ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान में रखना है किसने की थी? चैडविक ने। आगे पढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से होती है? वो होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, देखिए मानक ध्वनि स्तर वो कितना है? वो है 60 dB इस ऑप्शन के अनुसार। देखिए मैं आपको एक पूरा एक बता देता हूँ एक सेकंड के लिए। WHO ने बताया था कि भाई 40 dB जो है वो मनुष्य के लिए नॉर्मल, उन्होंने कहा था कि 40 dB तक मनुष्य जो है सुन सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सुन सकता, मतलब समथिंग ही उन्होंने 40 ही कहा था। लेकिन WHO ने ये भी कहा था कि 75 अगर डेसिबल किसी भी के लिए भी सुना वो तो हानिकारक हो जाएगी उसके लिए, और अगर 90 dB सुनता है वो तो बहरा भी हो सकता है, अगर 90 से भी ऊपर हो रहा है तो इंसान जो है पागल भी हो सकता है। तो इसका आंसर 90 होगा नहीं, 100 भी नहीं होगा, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना तो हमारे लिए हानिकारक है ही, इसका आंसर हो जाएगा 60। अगर ऑप्शन में 40 हो तो हम 40 लगा करेंगे, 40 या इसके आसपास के एरिया में। ठीक है, आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट किसमें, यूनिट निम्न में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है जो किस इनमें से कौन सा है? तो है एम्पियर। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान को दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के साथ गिराया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आता ही है ऑलमोस्ट हर बार, कि जो है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भारी जो है वो पहले पहुंच जाएगा या हल्का जो है वो बाद में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो है दोनों पत्थर जो है वो ज़मीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे। अब ये नहीं कि बड़ा छोटा है तो बड़ा पहले जाएगा, नहीं, दोनों पत्थर जो एक साथ ही पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पानी में डुबोई एक छड़ी किस सवरंती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो फ्रेंड, जो इसका जो कारण है मुड़ी हुई जो प्रतीत होती है वो होती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, निम्न में से अस्थायी कण है, तो जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी कण है, ये हमें पता होना चाहिए। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर जो प्रभाव है वो ध्वनि से संबंधित है, डॉपलर प्रभाव।
एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। आपने देखा होगा जब भी आप डेंटिस्ट के जाते हैं तो इसके पास एक छोटा सा शीशे के टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे दांत के अंदर का हिस्सा देखता है पीछे का। तो कौन सा उसके अंदर शीशा लगा हुआ होता है, तो वो अवतल लेंस, अवतल उसके अंदर मिरर होता है अवतल। तो ये ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई जो है वाट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए हम मतलब कौन सा काम में लेते हैं, ये पूछ रहा है कि कौन सा दूरदृष्टि निवारण के लिए हम कौन सा लेंस काम में लेते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए वो होता है अवतल लेंस। एक बार और देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष के लिए जो होगा वो होगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए वो होगा अवतल लेंस। आगे देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम के अंदर अंतर क्या है, ये पूछ रहा है इसके अंदर। तो नाभिकीय रिएक्टर की श्रृंखला जो है जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो नियंत्रित होती है, ये इसका अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की तीव्रता माप की मापन किया जाता है, तो वो किया जाता है रिक्टर स्केल पर, यानी रिक्टर पैमाने पर, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। और इसका यंत्र क्या है, वो है सिस्मोग्राफ, तो हमें ये ध्यान में रखना है सिस्मोग्राफ। ठीक है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का हिस्सा बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है वो काला हिस्सा, क्योंकि काली सतह ऊष्मा जो है अच्छी अवशोषक होती है, इस वजह से वो हिस्सा काला छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो फ्रेंड जो है प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो फ्रेंड इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका, ये पूछा है कि घर में जो हम तार फ्यूज तार को यूज़ करते हैं वो कौन सी धातु की, वो उस धातु की फ्यूज तार जो बनी हुई होती है जिसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, चालकता कम होती है, या गलनांक ज़्यादा होता है, तो फ्रेंड जिसका गलनांक कम होता है वो हम घर में तार यूज़ करते हैं। और तार जो है, हम देखिए शॉर्ट सर्किट होने की बात हो रही है यहाँ पर, कि शॉर्ट सर्किट जो हो रहा है इस वजह से गलनांक कम होता है उसका। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो क्या होता है, तो इसकी, ठीक है, तो वो होगा आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति में कोई अंतर नहीं होगा, वो आवृत्ति जो है समान ही बनी रहेगी। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या होगा 20,000 एक मिनट, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, पराश्रव्य मतलब कि जो हम नहीं सुन सकते वो कौन सी हैं, वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हैं। तो ये हमें, मैंने आपको बताया था कि इंसान जो है वो कहाँ से सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, तो इसका आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, क्योंकि पराश्रव्य तरंगे की बात कर रहा है ये, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब जो हम नापते हैं वो किसके उपयोग, जो हम यंत्र का उपयोग करते हैं वो कौन सा यंत्र होता है, तो वो होता है बैरोमीटर, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तो उसे निशाना जो है कैसे लगाना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मछुआरा है उसे मछली दिख रही है, लेकिन वो मछली जो है वो पानी में जिस जगह है उससे वो थोड़ा ऊपर दिख रही है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जो थोड़ा सा नीचे निशाना लगाना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे, क्योंकि हमें पता है कि पानी के अंदर कोई भी चीज़ नीचे हो वो हमें ऊपर प्रतीत होती है, इस वजह से इसका आंसर सी है कि उसको मछली पर ताना लगाना, तो उसे मछली के नीचे, जहाँ भी उसे मछली दिख रही है उसके नीचे ताना लगाना पड़ेगा। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो वो है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, जल, पारा, लकड़ी या चमड़ा, तो फ्रेंड जो पारा है, जो मरकरी है, ठीक है, वो सर्वोत्तम चालक है। आगे, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, श्वेत और जो चिकनी सतह होती है वो होती है ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। देखिए ये इस क्वेश्चन में जो ट्रेन है, अब क्या देगा, कार के अंदर दो यात्री बैठे हैं, एकदम ही जैसे ही वो स्टार्ट हुई तो सिर जो है उनका पीछे की ओर झुक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है जिस कारण से वो ऐसा हो रहा है, तो फ्रेंड्स स्थिरता का जो जड़त्व है उसके कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो वो की थी मैक्सवेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखिए, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो वाटरमैन जो थे वो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि, तो फ्रेंड इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा विस्थापन।
ठीक है फ्रेंड्स, विस्थापन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है स्कैटरिंग के कारण यानी कि विस्थापन के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा स्कैटरिंग यानी विस्थापन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रकर्णन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं हम, ये गलत देख लिया, विस्थापन ये प्रकर्णन पर होता है स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेलीविज़न का आविष्कार किसने करा था, टेलीविज़न का जो आविष्कार करा था वो बेयर्ड ने करा था, किसने करा था, बेयर्ड ने। ठीक है, आगे देखते हैं अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, वो क्यों फट जाती हैं, जो पानी की पाइपलाइनें वो इसलिए फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी जमने पर जो है फैल जाता है, जाहिर सी बात है पाइप में पानी जमेगा, जमने पर जो है वो फैलेगा पानी, तो पानी जब फैलेगा तो जाहिर सी बात है जो पाइपलाइन है उसका तो एक सीमित एरिया है तो वो फट जाती है इस वजह से, क्योंकि पानी पाइप में जो है जम जाता है इस वजह से, फैल जाता है पानी वहाँ पर। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, तो नाभिक में प्रोटोन पर वो होती है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट रुकिएगा, 64 67 फ्रेंड्स यहाँ से कुछ क्वेश्चन लग रहा है गायब है, चलिए कोई नहीं, हम इसको ही देखते हैं सीधा का सीधा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो पेनिसिलिन के जो आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, हमें ध्यान में रखना है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया का कारण कौन सा है, तो फ्रेंड जो इसका कारण है वो है वाष्पीकरण के कारण ऐसा हो जाता है, जैसे कि हम मटके के अंदर पानी रखा तो हल्के हल्के जो पानी है वो मटके की बाहरी सतह के अंदर चला जाता है, और जब भी उसके ऊपर जो गर्मी पड़ती है या धूप पड़ती है तो जो भी बाहर का टेम्परेचर होता है वो उस पानी को अंदर को ठंडा रखता है पूरा का पूरा, क्योंकि उसकी जो बाहरी सतह है वो ठंडी हो गई होती है। आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने की युक्ति है, तो जो युक्ति है वो है विद्युत मोटर। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, यदि कोई प्रतिरोध तार है उसको हम लंबा कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड जो इसका आंसर होगा वो होगा बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ता है जब भी हम जो है प्रतिरोध तार को लंबा करते हैं ना तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, एनीमोमीटर जो है वो किसका मापन किया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, वो होगा पवन वेग का मापन किया जाता है। आगे देखते हैं सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगे देखे वाला, देखिए मैं आपको बता दूँ कि लाल जो है सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी जो है सबसे कम होता है, तो ठीक है इसका आंसर ये होगा लाल और बैंगनी। आगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो वो बनाया जाता है 28 फरवरी को। आगे देखते हैं फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है, फोटोन जो है वो किसकी मूलभूत यूनिट है, वो है प्रकाश की। आगे देखते हैं चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो वो होता है दाब से स्वतंत्र होता है, तापमान, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र और लंबाई, इन पर तो जो है वो सेटिस्फाइड, इन पर तो वो है लेकिन दाब पर से वो स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार करा था, एक्स किरण जो थी जो आविष्कार करा था वो करा था मैक्स वेल ने, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे जो कि हमें देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, देखिए उच्चतम ऊर्जा मैंने बताया था अभी कि किसमें होती है उच्चतम ऊर्जा होती है तो होती है नीले प्रकाश के अंदर। ठीक है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीला प्रकाश। आगे देखते हैं सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, कौन सी किरण लाई जाती है, तो होती है एक्स किरण। आगे देखते हैं रांट जैन ने आविष्कार किया था, रांट जैन जो थे उन्होंने किसका आविष्कार करा था, उन्होंने करा था रांट जैन ने जो आविष्कार करा था वो करा था एक्सरे मशीन का आविष्कार, किसने करा था, रान जैन ने करा था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आगे तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है, क्यों हमें जो है तरणताल जो है वो वास्तविक गहराई जितनी गहराई उसकी है नहीं उससे कम गहराई से दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, एक नैनोमीटर होता है। तो देखिए सेंटीमीटर में पूछा है, अगर सेंटीमीटर नहीं पूछा होता, मीटर में पूछता तो कुछ और आंसर होता, सेंटीमीटर में पूछा तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट 10^-7 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं मरीचिका का बनना उदाहरण है, मरीचिका जो होती है उसका क्या कि मतलब जो बनना है उसका उदाहरण क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका बनता है। आगे देखते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं,
प्रकाश जो वोल्टेज सेल होते हैं, ये पूछ रहा है कि वो कौन से होते हैं, सौर सेल होते हैं, थर्मल सेल होते हैं, सल्फर सेल होते हैं या मोलर सेल होते हैं। तो वो जो होते हैं वो सौर सेल होते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, तो होती थी आइंस्टीन ने, जिनका पूरा नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। किस ताप में के पानी का घनत्व अधिक होता है, अधिकतम होता है, तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो मापी जाती है सिस्मोग्राफ से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नाप के रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप से किया जाता है, मंदक के रूप में, शीतक के रूप में, परिशिक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 हॉर्स पावर HP कितने वोट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर पूछ रहा है कि कितने वोट के बराबर, कितना वाट के बराबर वो होता है। तो फ्रेंड्स वो जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है इसके आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या वेग से, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है, जो एक स्वतंत्र रूप से कोई लटका हुआ चुंबक है वो सदैव किस में रहेगा, कौन सी दिशा में रहेगा, वो ये पूछ रहा है, तो वो रहता है उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर में वो सदैव रहता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में प्रतीत विस्तृत होता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा दक्षिण से उत्तर की ओर वो विस्तृत होता है। नेक्स्ट है, प्रश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, जो प्रश्रव्य तरंगे हैं वो जो तरंगे ध्वनि जो तरंगे हैं उनका उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, सोनोग्राफी में किया जाता है फ्रेंड्स, तो हमें ये पता होना चाहिए सोनोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है, तारों के मध्य जो दूरी है जो नापने की इकाई है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति होती है, वायु में जो प्रकाश की गति होती है वो होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स आज के 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर कर दें, और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।